अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज मैं आपके लिए जिस चीज़ का रिव्यू लेके आई हूँ वो है डर्मा क्लियर वालों का। ये नेचुरल वाइट फ्लूड है, बेसिकली ये एक फ्लूड है, लोशन नहीं है। ये स्किन वाइटनिंग सोल्यूशन भी है, इसमें SPF 30 है और विद मलबरी लीफ एक्सट्रैक्ट के साथ है। फॉर अ नेचुरल फेयर मोर इवन स्किन टोन, ये हमारी स्किन टोन को बेटर करने का भी काम करता है, इसे फेयर की तरफ लेके जाता है। तो डर्मा क्लियर वालों का ये फ्लूड बहुत अमेजिंग है। ये इसकी पैकेजिंग है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके यूसेज के तरीके भी बताए गए हैं, इसे हम किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो चलें देखते हैं। यूज़ एज डेली मॉइस्चराइज़र, हम डेली इसे अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी कर सकते हैं। जेंटली मसाज ऑन टू फेस एंड नेक फॉर बेस्ट रिजल्ट। यूज़ आफ्टर क्लिनजिंग मिल्क टोनर और फेस वॉश, यानी अपनी स्किन को अच्छे से क्लिनज़र करने के बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देन टोनिंग करें आप और अपने फेस को फेस वॉश के साथ क्लियर कर लें और फिर इस नेचुरल फ्लूड को आप अपने फेस पे अप्लाई करें। इसे आप एज आ मेकअप बेस भी यूज़ कर सकते हैं और इससे हमारी मेकअप की बेस भी बहुत अच्छी बनती है। तो इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई क्लियर नेचुरल वाइट फ्लूड एवरी मॉर्निंग बाय मसाजिंग ओवर फेस एंड नेक आफ्टर क्लिनजिंग। रिप्लाई ड्यूरिंग द डे एज नेसेसरी, के इसे आप अगेन रिप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 2-3 आवर्स के बाद, क्योंकि ये 2 या 3 घंटे ही काम करता है स्किन पे। इसके बाद देन आप अपनी स्किन को रिमूव करें क्लिनज़र के साथ या फेस वॉश के साथ और इसकी थोड़ी सी अमाउंट आप दोबारा अप्लाई कर लें, क्योंकि ये हमें सनटैन से बचाता है और हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। ये इसके इंग्रेडिएंट मेंशंस हैं और ये हमें फेयर स्किन देता है। 3 वेज में ये हमारे लिए काम करता है। इट्स विटामिन B3 इनरिच फार्मूला गिव्स योर फेयर लुकिंग स्किन एंड हेल्प्स रिड अपेयरनेस ऑफ डार्क स्पॉट। डार्क स्पॉट पे ये बहुत अच्छे से काम करता है। इट्स SPF प्रोटेक्शन इफेक्टिवली हेल्प्स प्रोटेक्ट योर स्किन अगेंस्ट एक्सटर्नल डैमेज फॉर द सन। जो सनबर्न की वजह से जो हमारे फेस पे रिफ्लेक्ट करती हैं सन रेज, तो जो उसकी वजह से हमें सन टैन हो जाता है उसके अगेंस्ट भी ये काम करता है। तो आप इसे ज़रूर अपनी स्किन पे अप्लाई करें। इट्स न्यूट्रिएंट्स रिच फार्मूला हेल्प्स रिप्लेनिशेस योर स्किन नेचुरल मॉइस्चराइज लेवल, कि ये हमारी स्किन के लेवल का जो मॉइस्चराइज होता है उससे बरकरार रखता है, क्योंकि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसकी पैकेजिंग ये है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का होता है। ये अंदर से इसकी ये खूबसूरत सी पैकिंग है और अंदर भी इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं, इसको लगाने का तरीका मेंशन किया गया है। इसका टेक्सचर मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये ऑयल बेस्ड नहीं है, ये बहुत जल्दी से आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है, स्किन को बहुत अच्छे से नेचुरली तौर पर मॉइस्चराइज कर देता है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं स्किन पे कोई पैचीनेस नहीं है, कोई ऑयल नहीं है, स्किन के अंदर बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है। तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप इसे ज़रूर परचेज़ करें। इसकी प्राइस 780 है, शायद 780 में ये आपको किसी भी अच्छे से स्टोर से मिल जाएगा। तो आप ये दोबारा से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये एज़ आ मॉइस्चराइज़र एंड एज आ SPF 30 है इसमें, इसलिए ये सन टैन के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को सनबर्न से बचाता है। तो आप इससे ज़रूर बाय करें, अपनी स्किन पे अप्लाई करें और अपनी स्किन को स्मूथ एंड हेल्थी करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।